लक्ष्मी हम मंदिर होकर आते हैं। बढ़िया बढ़िया, जिस तरह का सीन चल रहा देख रहे हैं, सरोज आंटी के रिकवर होकर हॉस्पिटल से घर आया है, कितना एक्साइटमेंट, क्या हो रहा है थोड़ा बताएंगे दोस्तों? टेबल वहाँ रखा हुआ, आ जाओ। सो सरोज आंटी हॉस्पिटल से आ गई है, मुझे दादी की आवाज़ आती है, मैं भागकर मम्मी दादी को लेकर आती हूँ। ऑब्वियसली हम डायरेक्टली हवेली में नहीं जाते, तो हम कोने में खड़े होकर देख रहे हैं किस तरह से सरोजी स्टैंड ले रही है, खुश भी हो रहा है कि फाइनली सरोजी कह रही है कि आई लव कान्हा। एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, बिकॉज फाइनली वो मान गई है, उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली जो कब से रिफ्यूज़ कर रही थी। बट अंजलि, उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो कुछ कुछ करती है जिससे हम शॉक होकर हमें भागना पड़ता है हवेली में। सो या अंजलि का सच सबके सामने आ गया है, सब बहुत शॉक्ड है, पर इन सब में एक इंसान बहुत ज़्यादा बैठा हुआ कान्हा भैया, Yes. जो हमेशा से सबके लिए सोचते रहे, right. सयूरी को के प्यार को जीतने के लिए वो लड़ते रहे, उधर सरोज आंटी को भी मना रहे हैं, अंजलि से भी उनको फ्रेंडशिप बरकरार रखनी, हमारा ध्यान रखा नकुल सबका, बट एट लास्ट नाउ ही इज़ वेरी सैड बिकॉज़ उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने सबके लिए किया, पर जिन इंसान को प्रायोरिटी दे रहे थे, जिनके लिए वो कर रहे थे, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा हर्ट है, उन्हें बर्स्ट आउट हो गई कि अब नहीं, अब मैं खुद का देखूंगा, तुम लोगों को जो करना है तुम करो। और सब शौक है ये सब सुन के, बिकॉज नहीं सोचा था कान्हा भैया का ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत गुस्से में है वो, बहुत जैसे जिस तरह अंजलि चले गए सबके सामने, सबके सच सामने आ गया, तो इससे हाँ। थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा चलो एक टेंशन दूर हो गया, हाँ। इस टाइम कुछ मन लगा आप लोगों को, कैसे लगा आप लोगों को अंजलि गई यहाँ से? तो हम यही सोच रहे थे कि कब ये सब चीज़ें होगी नकुल, और मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, नकुल को भी फील हुआ था, बट यू नो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सरोज आंटी और सयूरी के सामने सच लाया जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अंजलि ऐसा कुछ करेगी, तो उन अंजलि के जाने से ही आई गेस वही मेन पॉइंट था, उनके जाने से ही सब चीज़ें ठीक हुई है। कान्हा भैया गुस्सा है, पर सब पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें मनाएं और सब चीज़ें फिर से ठीक हो। उनके मतलब कंधों पर दो जिम्मेदारी, एक आपके फैमिली की जिम्मेदारी है, एक सरोज आंटी के घर की जिम्मेदारी है, दो दो मोर्चे पे खड़े हैं, ऊपर से आपकी हमेशा आपको ख्याल रखता है, कितना आपको एक्साइटमेंट, ऐसे भाई मिला आपको, इतना जीजू मिला आपको? बहुत बहुत खुश हूँ मैं, मतलब उन्होंने हर चीज़ हेल्प की, मतलब अपना घर छोड़कर सयूरी के पास आई, उसे बड़ा क्या मनाने के लिए, और वो लास्ट टाइम तक हार नहीं माने हैं, और दैट्स द गुड थिंग, बहुत खुशी हो रही है, या फाइनली सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, जाते जाते ऑडियंस के लिए, आपके अलबेला का ऑडियंस के लिए भी बोलना चाहते हैं? फॉर द अलबेला ऑडियंस, हो सकता है सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत जल्दी, आप लोग खुशियाँ मिलने वाली है, हो सकता है डबल ट्रिपल खुशियाँ मिले, बनता हूँ तो प्लीज़ हमारा शो देखते रहिए ऐसे। थैंक यू सो मच, एक मिनट, थैंक यू।